हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंथेटिक एम्ब्रियो के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। रिसेंटली जो है, रिसर्चर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, दे हैव क्रिएटेड अ सिंथेटिक एम्ब्रियो विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है। स्पर्म एंड एग के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है एंड द जाइगोट फर्दर डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। यहाँ पर जो है, एक सिंथेटिक एम्ब्रियो डेवलप किया गया है विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स एंड द एम्ब्रियो गेट डेवलप विदाउट द एग्स, विदाउट द स्पर्म एंड विदाउट वूम वेयर द एम्ब्रियो इज डेवलप्ड। And they have created a synthetic embryo, or we can call it as the embryos. Now, stem cells होते क्या हैं? Basically, stem cells are the special human cells जिनके पास ability होती है other cell types को form करने की। Now, stem cells भी दो types के होते हैं। Basically, embryonic stem cells and the adult stem cells. जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं, दे कम फ्रॉम द अनयूज्ड एम्ब्रियोज और वी कैन दे आर फॉर्म फ्रॉम द एम्ब्रियो बेसिकली। एंड द अडल्ट स्टेम सेल्स जो हैं, ये डेवलप होते हैं एक फुली डेवलप्ड टिश्यू से, जैसे कि ब्रेन, स्किन, बोन मैरो एक्सेट्रा। सो ऐसी एबिलिटी हमारी बॉडी में किसी और सेल्स के पास नहीं होती है। दिस नेचुरल एबिलिटी टू जनरेट न्यू सेल टाइप्स। सो किया क्या है साइंटिस्ट ने, हेयर दे यूज द माउस स्टेम सेल्स। माउस स्टेम सेल्स का यूज करके दे फॉर्म द माउस एम्ब्रियो मॉडल इन अंडर द लेबोरेटरी कंडीशंस। नाउ हाउ वाज द एम्ब्रियो मेड, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे किया गया है? बेसिकली रिसर्चर्स ने जो है स्टेम सेल्स को सेपरेट किया है तीन ग्रुप्स के अंदर। होता क्या है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है, इन द फर्स्ट वीक बेसिकली स्टेम सेल्स जो हैं वो तीन टाइप के स्टेम सेल्स फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर। जो एक स्टेम सेल होता है वो तो हमारे ऑर्गन्स एंड बॉडी टिश्यूज फॉर्म करता है, और बाकी के दो स्टेम सेल्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। सो हेयर द वन कंटेंट सेल, जो वन स्टेम सेल्स थे, दे स्टार्ट डेवलपिंग इन टू द एम्ब्रियोनिक ऑर्गन्स एंड द अदर टू वर प्री ट्रीटेड फॉर द 48 आवर्स। ये प्री ट्रीट किया गया उनको ताकि वो उनके जीन्स जो हैं वो ओवर एक्सप्रेस हो पाए एंड प्लेसेंटा एंड योक सैक की सिंथेसिस कर पाए। देन दे वर मिक्सड इन द इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड डिवाइस, यानी कि उसके बाद जो है इन तीनों स्टेम सेल्स को मिक्स किया गया अंडर द इंक्यूबेटर। ऑब्जर्व किया गया कि दे हैव मिमिक द नेचुरल प्रोसेस ऑफ लाइफ, उन्होंने जो है लाइफ के नेचुरल प्रोसेस को मिमिक किया बाय डेवलपिंग द प्लेसेंटा एंड योक सैक्स। एंड दीज सेल्स वर डेवलप्ड एज इफ दे वर फ्रॉम द नेचुरल एम्ब्रियो। इनके सेल्स ऐसे डेवलप हुए जैसे कि वो एक नेचुरल एम्ब्रियो से डेवलप हुए हैं। एंड दिस एम्ब्रियो, द सिंथेटिक एम्ब्रियो डेवलप फॉर 8.5 डेज ओनली। अगर वो 8.5 डेज से फर्दर लाइव कर पाता तो वी कैन डेवलप अ लाइव माउस आल्सो, बट अनफॉर्चुनेटली इट जस्ट डेवलप फॉर द 8.5 डेज। नाउ ऑब्जर्व किया गया कुछ ऑर्गन्स डेवलप होने शुरू हो गए, जैसे कि बीटिंग हार्ट, ब्लड सेल सर्कुलेशन, ब्रेन विद द वेल डेवलप फोल्ड्स, इंटेस्टाइनल ट्रैक्स एंड द न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन इज ऑल्सो सीन इन दैट। सो इस रिसर्च की सिग्निफिकेंस क्या है? कुछ प्रेगनेंसीज जो है फेल हो जाती है अर्ली एज के ऊपर। सो विद द हेल्प ऑफ दिस रिसर्च वी कैन फाइंड आउट वाई दे आर फेलिंग and we can find out the and study the role of different genes in the birth defects. Jo birth defects mein alag alag genes ka role hota hai usko study kar sakte hain, and we
This study also provides some hope to grow the tissues and organs for the transplantation. Transplantation के लिए हम organs और tissues को grow कर सकते हैं under the laboratory conditions. And also we can study the earlier stages of the development. Development की earlier stages को हम study कर सकते हैं इसकी help से. Got it? I hope you understood this topic. I hope this video is helpful to you. Share your views in comment section. Do like, share, subscribe to my channel. For more videos, thank you.